हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके आई हूँ साउथ इंडियन मसाला डोसे वाले भैया के पास, जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस है। जो इनका डोसा था मात्र 40 रुपए का था। मैं तो हैरान होगी सुन के कि मतलब इतना सस्ता डोसा, वो भी देहरादून में, क्योंकि देहरादून में डोसा मोस्टली महंगा ही मिलता है, 60 या 70 रुपए का मिलता है। तो मुझे यहाँ पर 40 रुपए में दिखा, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पर मतलब इतना सस्ता डोसा दे रहे हैं, तो इसका टेस्ट उतना अच्छा है या नहीं है। और ये भैया कंटिन्यू डोसा बना रहे थे और यहाँ पर बैक टू बैक मतलब लोग खा भी रहे थे, ऊपर से घर के लिए भी पैक करवा रहे थे। तो मैंने यहाँ पर एक दो लोगों से बात भी करी, उनसे पूछा तो वो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप एक बार टेस्ट करो, आपको यहाँ का डोसा जरूर पसंद आएगा। और ये 40 रुपए में है तो एक बार टेस्ट करना तो बनता है। मैंने यहाँ पर पनीर डोसा बनवाया था जो कि 70 रुपीज का था। अब ये पनीर मसाला डोसा का मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इन्होंने अलग से प्रिपेयर करा था, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जो मसाला डोसा होता है उसे तो वो उसी के ऊपर ही लगा रहे थे, उनका उन्होंने ऑलरेडी मसाला तैयार किया था, बट इसका उन्होंने मसाला मेरे सामने ही तैयार किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इसे देख देख के ना मुंह में पानी भी आ रहा था, मन कर रहा था फटाफट जल्दी जल्दी बने। और भैया इतने ज्यादा बिजी थे, मैंने इनसे ज्यादा बात भी नहीं करी, इनसे नाम भी नहीं पूछा, मैंने फटाफट इनकी वीडियो बनाई। कंटिन्यू यहाँ पर प्लेट लग रही थी, मतलब इतनी भीड़ थी यहाँ पर। फाइनली मेरा नंबर आया, मेरा पनीर मसाला डोसा रेडी हो चुका था और मैं फटाफट आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। गाइस, डोसा सच में बहुत टेस्टी था, पनीर जो था एकदम फ्रेश था, मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम फ्रेश फ्रेश पनीर उन्होंने यूज किया है। चटनी काफी अच्छी थी, खास करके जो रेड वाली चटनी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत टेस्टी हो रही थी। वैसे मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं सांभर कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे सांभर ना बाहर का जल्दी से पसंद नहीं आता, बट मैंने यहाँ का सांभर खाया, ठीक ठाक था यहाँ का सांभर। मैं ये नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा था और बहुत गंदा भी नहीं बोल सकती, सही था, मुझे पसंद आया। अब हमने एक मसाला डोसा भी ऑर्डर किया था, ये देखो जरा मसाला डोसा की हमारी प्लेट लग चुकी है। गाइस सच में काजल को यहाँ का डोसा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पनीर मसाला डोसा खाया था तो इसने मसाला डोसा टेस्ट किया, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त, एकदम मजा आ गया यहाँ का डोसा खा के। यहाँ का एड्रेस है सालमपुर चौक झंडा मार्केट वाले जो रोड जा रही है, वहीं पर ही राइट साइड में आपको ये भैया दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है तो आप लोग को इजीली यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। देहरादून में खाना कहाँ कहाँ पर अच्छा मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं अगली बार वहां का वीडियो शूट करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूं तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत।